जी, तो मैंने इसको यहाँ से भी कर दिया, अब वो स्टिकर उतार कर इसका मैंने ये कवर कर दिया जो कल सोलिया से नहीं लग रहा था, और ये भी कर दिया। अभी मैं इसका ये भी सोच रही हूँ ये पिंक वाले हटाकर ऐसी या वो ये वाली रिबन लगा दूँ इस पर। देखिए अब आप लोग बताएंगे कैसा लग रहा है। सना बट्टी तुम बताना कैसा लग रहा है, तुम तो क्रिएटिव, मेरी क्रिएटिव लड़की है भाई, वो ही बताएगी वो कैसा लग रहा है। बाकी आप सब भी बताइएगा कैसा लग रहा है। बेड अजीब, मतलब बेड पर बैठ कर ना काम नहीं होता सही, और टेबल पर बैठ कर कैमरा सेट नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया है मैं ट्राईपोड नहीं यूज़ करती। तो मैं इसको करती हूँ कंप्लीट और फिर आपको दिखाती हूँ। सॉली अभी अभी आई है, बाहर गई हुई थी, और इस वक्त बज रहे हैं रात के 3, वो आज 3 बजे आई है। तो उसने जैसे ही इसको देखा वो हैप्पी हो गई, कह रही है अरे वाह अब तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि कल उससे ही कट नहीं रहा था तो बहुत अपसेट हो रही थी, तो अभी वो देखकर ऐसे खुश हो गई। इसको मैं आगे का बनाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। एक मैंने अंदर का भी सेट कर दिया, अब यहाँ का रह गया, अब मैं यहाँ का सेट करूँगी तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा कम कम रिकॉर्ड कर रही हूँ। वैसे ये टिश्यू बॉक्स और ट्रे के अलावा बहुत सारी चीज़ें बनी हुई मिलती हैं वॉल पर लगाने की भी, लेकिन इनको जो आर्ट से रिलेटेड लोग हैं ना वही इजीली कर सकते हैं, हमें करने में ना बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हमें एक एक चीज़ लाइन पर चलानी पड़ती है, और उन लोगों को होती है प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस हमें नहीं होती, तो ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो क्राफ्ट का काम करते हैं ना, जिनको शौक है, उनके लिए मुश्किल नहीं है। तो मुझे तो ये सोलिया को सिखाना है, सिर्फ ये एक बार देख लेगी फिर मैं उसके लिए ये दूसरा लेकर आऊँगी, ताकि वो उसको इस तरह देख कर बनाए जैसे कि उसने आपके सामने मेरे साथ टिश्यू बॉक्स बनाया। एक बार और लेकर आऊँगी जिसको वो खुद से बनाए। ये देखिए एक बार लगा देती हूँ, लेकिन ये स्टिक नहीं होता है, पता नहीं ये क्यों नहीं स्टिक होता है, ये ग्लू गन से तो फौरन हो जाना चाहिए, लेकिन क्या पता भाई क्यों नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम है क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही इसकी कहानी क्या है। हर चीज़ के पीछे एक कहानी होती है और हमें नहीं पता होता वो कहानी क्या है, और हम बिना सोचे समझे फैसले कर लेते हैं कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, वो होगा, उसने ये ऐसे किया होगा, उसने ये ऐसे किया होगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं भी सोचती हूँ इस तरह की बातें, नेगेटिविटी हर इंसान में होती है, लेकिन अच्छा है कि हम उसको निकाल दें, क्योंकि हम नेगेटिविटी अपने अंदर तो ले आते हैं, लेकिन जिसके लिए लाते हैं ना वो खुश खुर्रम घूम रहा होता है, और हम लोग हो जाते हैं डिप्रेस, टेंस, उसके बाद स्ट्रेस, ये सब। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने अंदर से ना नेगेटिविटी निकाल दें, क्योंकि इससे दूसरे इंसान को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता जितना हमारी सेहत ख़राब हो रही होती है। लिटरली इस बात का मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, जिसे टेंशन बहुत जल्दी हो जाती है, जो सोचती बहुत ज़्यादा है, चाहे किसी के भी बारे में सोचती हो, चाहे वो उसके अपने घर वालों के बारे में सोचती हो, बहुत ज़्यादा टेंशन बहुत ज़्यादा जल्दी ले लेती हूँ। तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके साथ होते हैं और मेरे साथ हो रहे हैं, ऐसे ही बीमार नहीं पड़ती, मैं आपको बताती रहती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभी मेरे रिसेंटली 6 टेस्ट हुए, अब उनको डॉक्टर को दिखाना है, उसमें कुछ प्रॉब्लम भी आई हैं। बस दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला मेरे हक में सब बेहतर करे, किसी का बुरा तो नहीं चाहती कभी, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी है, जो भी होना होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, और मुझे पता है कि
अल्लाह ताला मेरे हक में बेहतर करेगा, क्योंकि मैं उससे कभी मायूस नहीं होती। तो पॉजिटिव रहना चाहिए ना, पॉजिटिव हूँ। जो कुछ भी मेरी रिपोर्ट्स, दो रिपोर्ट्स मेरी क्लियर, मेरी एक ऐसी हैं जो माइनर सी खराब आई है, लेकिन मैं थोड़ी देर अपसेट हुई थी, उसके बाद मैं सही हो गई थी, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे बहुत समझाया। एक और स्पेशल इंसान है मेरी ज़िंदगी में जो मुझे बहुत ज़्यादा, मेरे बाबा के बाद, मेरी मम्मा के बाद, वो मुझे समझाता, और वो मैं आपके सामने एक व्लॉग के साथ ही रिवील करूँगी, इस तरह बताऊँगी नहीं। जो लोग यहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो मुझे जानते हैं, मतलब कि जो मेरी फैमिली से हैं या फ्रेंड्स में से हैं जो भी हैं, और कुछ अननोन हैं जो नहीं जानते, उनको तो मैं एक व्लॉग के साथ ही उसे रिवील करूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं, 2-3 महीने वेट कर ले, तो मैं रिवील ज़रूर करूँगी। और उसके बाद मुझे पता है कि मेरे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग बनेंगे। जी हाँ, मुझे पता है। ये देखिए, मैंने लगा चुकी थी और ये फिर निकल गया। ये बड़ी प्रॉब्लम है भाई, एक बार सेट कर दो फिर निकल जाता है। अब देखिए, अब इस साइड का अंदर का ये वाला भी लग गया है, इस साइड का भी लग गया है, ये बाहर का भी लग गया है, ये बाहर का भी लग गया है, और इस तरह से कुछ इसका लुक फ्रंट का ये है। ये पिंक तो मैं हटा दूंगी, अगर अच्छा लगेगा तो रहने दूंगी। और ये वाला लुक ये है। अब रह गई है ये वाली साइड्स, तो अगर इस पर ये मेहरून वाली कम पड़ गई ना, क्योंकि मैं ऐसी ब्लू भी लाई थी जो मैंने टिश्यू बॉक्स पे लगा दी थी, तो फिर मैं ये वाली लगाऊंगी। अब मैंने इसको इतनी देर में ये कर लिया है, ये मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ, ये बैक साइड अभी भी सेम है, और ये कर लिया है, ये देखें ये पूरा फिल कर लिया है। अब बताइए ये कैसा लगा। मैं दोनों की, वो जो पहले बनाया था इससे पिंक वाले से, वो दोनों पिक्चर्स आपको डालूंगी उसमें, आप बताइएगा ए और बी कौन सा अच्छा लग रहा है। और इसके ये साइड के मैं हटा दूंगी अगर ये अच्छे नहीं लगे तो, और सोच रही हूँ पीछे का ऐसे ही रहने दूँ, क्योंकि अगर मैं ये यूँ रखूँगी और इस पर कुछ लगाऊंगी ना, तो ये थोड़ा डिसबैलेंस होगा आई थिंक, मैंने ये सोचा है। तो ये अब कैसा लग रहा है, अब मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखाती हूँ। देखिए ये इस तरह का होता है पूरा, जब क्राफ्ट के लिए हम खरीदते हैं ना, तो हमें इसकी चीज़ें परचेज करनी पड़ती हैं, जैसे मैंने की है ये रोप वगैरह। और ये अब देखिए, ये ट्रे है बेसिकली, ये देखिए। अब इसको यूं पकड़ के यूं पेश कर सकते हैं, लेकिन हम इसको धो नहीं सकते, इसलिए अब इसे सेंटर टेबल पर या कहीं भी एज अ शो पीस लगा सकते हैं। ये तो मैं ऐसे ही, ये आपको ये जॉइंट जो नज़र आ रहा है, ये मैं ऐसे ही चेक कर रही थी कि कैसा लग रहा है, ये मैं हटाऊंगी, लेकिन अब ये कैसा लग रहा है ये आप लोग बताएंगे। बताए अभी कितने बज चुके हैं, 4 बज चुके हैं, और मैं इस पर ही लगी हुई हूँ सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आज ये व्लॉग कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये बहुत दिनों से, मतलब 2-3 दिन से पेंडिंग पे चल रहा है, और ये बार बार मेरे साथ मसला ही हो रहा है कि ये ग्लू लगा रही हूँ और ये निकला है, निकलने जा रहा है, निकलने जा रहा है। शायद मुझे उनको, जहाँ से मैंने ये चीज़ें परचेज की हैं, वो एक बहुत बड़ी शॉप है, क्योंकि उसके सामने ही सेंटर बना हुआ है, ये सब चीज़ें लड़कियाँ सीखती हैं वहाँ से, तो ये वहाँ की सबसे बड़ी शॉप है वैसे तो और भी शॉप्स हैं, तो वो कोई गलत चीज़ कभी देते तो नहीं है, लेकिन मैं उनको कंप्लेन करूँगी कि ये निकल क्यों रहा है भाई बार बार, क्या पता मुझसे ही कोई मिस्टेक हो रही हो, क्योंकि मैंने ग्लू गन फर्स्ट टाइम ही यूज़ की है, मैंने कभी आर्ट्स का कोई काम किया भी नहीं है, अभी फर्स्ट टाइम में ये मेरे लिहाज से तो बहुत अच्छा बना है।
जब मेरे लिए इतना टफ है तो सोलह के लिए कितना टफ होगा। तो मेरा मकसद है सिर्फ उसको ये सिखाना जब तक उसके स्कूल बंद है। अब मैं उसके लिए ये चीज़ मैंने रेडी कर दी है ना, अब मैं उसे कहूँगी कि ये देख कर वो दूसरी चीज़ बनाए। अभी देखिए यहाँ अंदर की चीज़ें ये खा ली, अब ये मैं करूँगी, सोच रही हूँ इसको मैं ऐसे ही रहने दूँ या इस पर एक स्टेज दे दूँ। चलें पहले बस आप मुझे बताइएगा कि ये कैसा बना, कि ट्रे कैसी बनी है। ये ऐसी थी पूरी, दिखाई थी मैंने आपको, और अब ये ऐसी है। कैसी बनी है, मुझे इसकी ज़्यादातर ये पोर्शन और ये पोर्शन बहुत अच्छा लगा, और ये भी। आजकल इस तरह की बहुत चीज़ें निकली हुई हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो। बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा। तो लूगन को करते हैं बंद, इससे मेरी बेडशीट भी बहुत ख़राब हुई है। मैं इसको यूज़ करके यूँ रख रही हूँ तो वो बेड पर भी निकल निकल के लग रही है। तो जी आज का व्लॉग ये हुआ ख़त्म इस ट्रे पर, और 4 बज चुके हैं, नींद भी आ रही है, नहीं भी आ रही, क्योंकि मैंने ये करने से पहले ना ब्लैक कॉफ़ी पी ली थी। अब आपको पता है कि उससे नींद नहीं आती, तो इतनी मुझे नींद नहीं आई, लेकिन अब मैं थक गई हूँ ना बैठे बैठे इस तरह, क्योंकि मेरे पैरों का प्रॉब्लम है थोड़ा फ्रैक्चर की वजह से, अभी तक चल रहा है वो, कि मुझे डॉक्टर ने 6 मंथ्स का कहा हुआ है कि रिकवर होगा। तो मैं इस तरह पैर मोड़ कर बैठ तो गई हूँ, लेकिन उससे बैठा नहीं जा रहा था, बार बार मेरे पैर सुन हो रहे थे या पेन हो रहा था। और अब जो मेरी रिपोर्ट्स आई हैं, दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि मेरे पैर भी बिल्कुल पहले की तरह हो जाएं, और उनमें से जो तकलीफ़ है, जो भी प्रॉब्लम है, सब ख़त्म हो जाएं। मेडिसिंस में बाकायदगी से ले रही हूँ हर चीज़ की, और जो अब रिपोर्ट्स आई हैं उनके लिए भी दुआ करिएगा कि जब डॉक्टर के पास जाऊँ तो सब कुछ फिट फाट हो। और मुझे और सौलिया को और मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और व्लॉग अच्छा लगे तो गिव इट अ बिग थम्स अप, और यार शेयर करवाएं, सब्सक्राइबर्स जितने होंगे जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, और मैंने अब मोनेटाइज करवा के सबसे पहला काम एक चैरिटी करनी है जो कि मैंने सोचा हुआ है। तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शो सम लव देयर। और मुझे जो जो लोग इंस्टा यूज़ करते हैं मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लें, वहाँ पर बहुत स्टोरीज लगाती हूँ मैं। तो इजाज़त दीजिए, काफ़ी रात हो गई है, बल्कि अब सुबह ही हो गई है, फजर का टाइम हो जाएगा अभी। मुझे सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपने बुज़ुर्गों का बहुत ख्याल रखिएगा। जब ये सब एक्टिविटीज़ के व्लॉग ख़त्म हो जाएंगे फिर मैं आपसे थोड़ी एक मुझे आज मेरे बाबा ने एक नई बात बताई है, शायद आप लोगों को पता हो, नहीं मुझे नहीं पता थी इतनी, मुझे नहीं पता इस्लामिक हिस्ट्री में उन्होंने मास्टर्स किया हुआ और भी बहुत कुछ किया हुआ उन्होंने, तो खैर। लेकिन जो आज उन्होंने मुझे बात बताई तो मुझे पहली बार पता चली, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब ये एक्टिविटीज़ के व्लॉग ख़त्म हो जाएंगे तब। तो जिनको पता होगी उनके लिए तो होंगे वो पता होगी उनको, जिनके लिए नहीं पता होगी उनके लिए एक नई बात होगी इस्लाम के हवाले से। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, पी एम वन अल्लाह।